तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जंपिंग यूज ओपी आइटम मॉड फॉर माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन एंड इसी तरह के मॉड्स की वीडियो में इस वीक लेकर आने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एंड बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर देना। एंड डाउनलोड प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको डिस्क्रिप्शन में मीडियाफायर की लिंक मिल जाएगी। बट मुश्किल जो है वो है इंस्टॉलेशन प्रोसेस, आपने अगर उसे गलत कर दिया तो खत्म, टाटा, गुड बाय। एंड आप खुद कमेंट करोगे कि ये फेक है, इसलिए जो इंस्टॉलेशन एंड डाउनलोड प्रोसेस वाले स्टेप्स है टाइम स्टैम्प आपको पता चल जाएगा ऊपर, तो उसको ज़रूर से देख लेना। एंड सबसे पहले हम इंस्टॉलेशन एंड डाउनलोड प्रोसेस ही देखेंगे एंड उसके बाद देखेंगे गेम प्ले। तो डाउनलोड प्रोसेस सबसे ज़्यादा ईजी, आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको इस मीडिया फेयर की लिंक मिल जाएगी, यहाँ से आपको उसको कर लेना है डाउनलोड एंड ओपन कर लेना है विथ माइनक्राफ्ट। कुछ इस तरह से पॉपअप आ जाएगा, उसके बाद आपकी माइनक्राफ्ट जो है वो ओपन हो जाएगी एंड आप ऊपर देख सकते हो जो मेरा मॉड है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद कुछ नहीं, आपको करना है न्यू वर्ल्ड क्रिएट एंड आपको कुछ ऑप्शन करने क्रिएटिव सर्वाइवल वो बाकी की चीज़ें, बट आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको जो एक्सपेरिमेंटल से वहाँ से सबसे पहले गेम टेस्ट फायर फ्रेमवर्क्स और हॉलीडी फीचर्स कौन कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है बिहेवियर पैक में एंड ये वाले जो स्टेप्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये ठीक से नहीं किए तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके बाद आप डायरेक्टली वर्ल्ड को क्रिएट कर सकते हो एंड मैं अपने वर्ल्ड में यहाँ पे आ चुका हूँ एंड मैं शायद किसी आइलैंड। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे क्रेडिट्स इस मैप के मतलब इस मॉड के क्रिएटर के, आप चाहो तो पढ़ सकते हो वरना आप इनकी वेबसाइट पर और भी ढेर सारे जो मॉड्स है वो देखने को मिलेंगे। एंड आपको अगर कोई भी आइटम चाहिए तो आपको बस करना है सिर्फ जंप एंड मैंने नाइट विजन की पोशन ऐसे फेंक दी, तो ठीक है और जंप करके देखेंगे हमको क्या क्या मिलता है और क्या क्या नहीं। ओके, तो इसका मैं क्या करूँगा भाई, और कोई अच्छी चीज़ मिल जा प्लीज़। ओके, यहाँ पे केव शायद, तो आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं हमें और भी कुछ चीज़ें घूमते घूमते मिल जाए, एक ही जगह पर खड़े नहीं रहेंगे। तो ऐसे थोड़ी सी वोड लेता हूँ एंड जंप करते करते ओके, तो मुझे क्या मिला ये चीज़, ओके स्मिथिंग टेबल किसी काम की नहीं है और एक कारपेट मिला है जो भी किसी काम का नहीं। मुझे कुछ अच्छी चीज़ चाहिए बहुत ही ओपी वाली, तो मैंने मेरी इन्वेंट्री खाली कर ली थोड़ी एंड उसके बाद मैंने वापस से जंप करना स्टार्ट कर दिया एंड नेदरराइट की चेस्ट प्लेट मिल गई पूरा सब भरते एंड ये नेदरराइट की चेस्ट प्लेट को भी इक्विप कर लेते हैं एंड वापस से करते हैं जंप एंड देखें। ओके, ये कौन सी, ये रखेंगे हम और बाकी का सारा कचरा वापस से फेंक देंगे, ज़रूरत नहीं है एंड इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है फिर। ओके, तो वापस से ओके, तो स्प्लैश पोशन ऑफ, अच्छा वो स्पीड बढ़ाएंगे। ओके ठीक है, वो भाई विलेज कितने पास है यार हमारे, मुझे पता ही नहीं चल रहा। ठीक है फिर, यहाँ पे जंप करते करते शायद कुछ मिल जाए अच्छी सी चीज़ें, एमरल्ड्स वगैरह मिल गए तो यहीं पे ट्रेडिंग करेंगे एंड ये है, अच्छा स्लोनेस की पोशन है, ठीक है फिर और क्या मिलेगा हमें शायद, ओ यहाँ पे आयरन कॉलम शायद से वो रहा है आयरन कॉलम पर शायद कुछ टहल रहा है एंड ये अच्छा, चलो ठीक है फिर हम उसको पॉइजन दे के देख लेते वो मरेगा या फिर शायद उससे तो नहीं मरेगा, बट देखने को किया जाता है कहीं हमको ना लग जाए हमें पॉइजन मिलेगा। ओ एक मिनट, ये इसे डिटेक्ट करता है, चलो भाई चल 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 पीछे, अरे भाई मैं अटक क्यों गया, अच्छा यहाँ पे एक घर आ गया, भागो 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 भाई, मुझे लगा था ऐसे भी होता है कि माइनक्राफ्ट में उसको पता चल गया कि हमने उस पर, बट ये अटैक होता ही नहीं ना, बस मैंने पोशन फेंकी है भाई, अब इतनी डरावनी आंखों से मुझको देख रहे हैं, मुझे डर लग रहा है एक्चुअली वैक्स की। ओ भाई कोई पागली होगा जो वैक्स को यहाँ पे स्पॉन करेगा एंड ये पोशन स्लोनेस की पोशन उसको दे देता हूँ मैं। ओ नो, मुझे लग गई भाई पोशन, ठीक है फिर कारपेट क्यों मिल रही, कारपेट का क्या करूँगा भाई मैं, कारपेट किसी काम की नहीं है, और भी जंप करके देखेंगे कुछ मिलता है। सबसे पहले मैं कचरा फेंक दूँ यार, बहुत ही ज़्यादा कचरा हो गया मेरे इन्वेंट्री में एंड मैंने सारा फेंक दिया एंड एरोज मिल रहे वो भी दो। ओके एमरल्ड का ब्लॉक एंड ये एक और कोई तो पोशन है। ओके सबसे पहले मैं जूती पहन लूँ, गोल्डन के शूज ताकि प्रोटेक्शन बनी रहे एंड इसको मैं उसके ऊपर नहीं यार वापस से मेरे ऊपर गिर सकते, तो जंप करके फेंकता हूँ
कोई फायदा नहीं। ओके ठीक, काम तो कर गया जो भी है, बट इसको डैमेज नहीं मिला आई थिंक। भाई इसको डैमेज क्यों नहीं मिल रहा? एंड ये कि ठीक है वापस से जंप काम पे लग जाते हैं, एंड देखते कुछ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अच्छी कोई ओपी सी चीज़ मिल गई ना भाई। ओके गोल्डन एप्पल, ठीक है गोल्डन एप्पल एप्पल चलेगा। एंड ये है पिगलिन रूल है रूट शायद। ओके इसको भी ओके जी ठीक है, हम इसको स्पॉन करेंगे। एंड आयरन गोलम इसके पीछे, व्हाट ऐसा नहीं होता है क्या भाई? वो भी एक मॉन्स्टर है, विलेजर्स को मार सकता है भाई, फिर ये तो सही नहीं है फिर। और ये कौन सी पोशन है? ओके मैं अब इनविजिबल होकर भाग जाऊंगा यहाँ से। क्या हमें वो देख सक ओ ये भाई ये कैसे पॉसिबल है? हम तो इनविजिबल है, वो कैसे देख सकते हैं? हम खुद खुद को ले एक खा ले, रुको मैं ये गोल्डन एप्पल खा के दिखा देता हूँ तुझको। आजा फिर आजा अकेले अकेले भाई उठा के। ओ भाई मेरा लग ही नहीं रहा, एक भी शॉट मेरा हिट लगा ही नहीं उसको भागो, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। भागो भाई ऐसे निकलो। तो गाइज होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मॉड की लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस वो जरूर ध्यान से पढ़ लेना एंड देख लेना। उस वहाँ पे मिस्टेक करने के बाद आप नीचे कमेंट सेक्शन में आओगे एंड बोलोगे कि वर्क नहीं करता भाई। तभी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं माइनक्राफ्ट के मॉड ऐसे और भी लाता रहूँगा। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। With the